हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रूह कब और कैसे कब्ज़ की गई? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में क्यों दफन नहीं किया गया? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद मिस्रियों और बनी इसराइलियों की किस बात पर इख्तिलाफ हुआ? अपना अलग हुजरा बनाकर वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहते, यहाँ तक कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, उनके आंखों की बिनाई चली गई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को भेजा कि पूरे ख़ानदान को यहाँ मिस्र ले के आओ, तो अपना वो कुर्ता भी दिया जो उन्होंने बचपन में पहना हुआ था जब उन्हें मिस्र गुलाम के तौर पर लाया गया था, और हुक्म दिया कि इस कुर्ते को मेरे बाबा के आंखों से मस करना जिससे उनकी बिनाई वापस आ जाएगी, क्योंकि ये कुर्ता अंबियाई कराम का था जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। इसे आंखों से मस करते ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई और याकूब अलैहिस्सलाम और उनका खानदान मिस्र के अंदर आबाद हो गए। 40 साल बाद बाप और बेटे की जुदाई आखिरकार खत्म हो गई। जब दोनों आपस में गले लग कर रोए तो आसमान के फरिश्ते भी ये मंजर देख कर रोने लगे। यहाँ मिस्र में याकूब अलैहिस्सलाम 24 साल तक जिंदा रहे और यूसुफ अलैहिस्सलाम 120 साल की उम्र तक। अपनी वफात से पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत की थी कि मेरे कब्र को वहाँ पर बनाना जहाँ पर मेरा दादा इब्राहिम और मेरा वालिद इसहाक दफन है, यानी फलस्तीन में। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही किया गया। अपने वफात से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत की थी कि मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुना है कि अन करीब मेरी कौम बनी इसराइल दोबारा अपनी वतन की तरफ हिजरत करेगी, लिहाजा जब वो वक्त आए तो मेरे ताबूत को भी अपने साथ ले जाना और मुझे भी अपने बाप और अपने दादा के साथ दफन कर देना। आपने बकायदा अपने कौम के बड़े लोगों से ये वादा लिया कि मेरी मैयत को अपने साथ ले जाना, मगर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो मिस्र के लोग क्योंकि आपसे काफ़ी मोहब्बत करते थे, लिहाजा ये मसला कड़ा हो गया कि आपको कहाँ पर दफन करना है, क्योंकि हर शख्स ये चाहता था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके इलाके में दफन किया जाए ताकि वहाँ पर हमेशा बरकत रहे। लिहाजा इख्तलाफ से बचने के लिए यह तय हुआ कि संगमरमर का ताबूत बनाया जाए और उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डालकर दरियाए नील के अंदर दफन किया जाए जिससे सारे लोग पानी पियेंगे।